सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू सी यूजर इनपुट. हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि जावा में हम यूजर इनपुट कैसे ले सकते हैं. यूजर इनपुट. सो यूजर इनपुट के लिए जावा में एक मेथड है जिसका हम यूज करेंगे और उस मेथड का नाम है नेक्स्ट आईएनटी. इंटीजर टाइप का इनपुट लेता है, मतलब बिना पॉइंट वाले नंबर्स. ठीक है. So, जावा में हर काम हम मेथड की हेल्प से करते हैं. अगर हमें कुछ प्रिंट करना है तो उसके लिए मेथड यूज करते हैं प्रिंट ln. अब तक तुम लोगों ने बहुत बार किया होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln. तो प्रिंट ln क्या है? एक मेथड है जो डेटा को प्रिंट करता है आउटपुट स्क्रीन पे. और नेक्स्ट int भी एक मेथड है जो इनपुट लेता है. तो चलो नेक्स्ट int का यूज कैसे करेंगे. तो सबसे पहले इस चीज को समझो कि जावा में हर मेथड किसी ना किसी क्लास के अंदर रहता है. ठीक है. अभी क्लास क्या है आगे सब डिटेल में बताऊंगा. अभी बस समझो क्लास कुछ होता है. तो जावा में हर मेथड कहाँ रहता है? किसी ना किसी क्लास के अंदर. सो नेक्स्ट आईएनटी जिस क्लास के अंदर रहता है. नेक्स्ट आईएनटी इसके अलावा और भी मेथड है जैसे नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट फ्लोट, बहुत सारे हैं. ये सारे मेथड जिस क्लास के अंदर रहते हैं उस क्लास का नाम है स्कैनर. ठीक है. और स्कैनर क्लास एक पैकेज के अंदर रहता है. उस पैकेज का नाम है यूटिल. तो याद रखना सब लोग, हम लोग इनपुट लेने के लिए किसका यूज करने वाले हैं? नेक्स्ट आईएनटी का. नेक्स्ट आईएनटी किस क्लास के अंदर रहता है? स्कैनर क्लास के अंदर. और स्कैनर क्लास किस पैकेज के अंदर है? यूटिल पैकेज के अंदर. ओके. तो इनपुट कैसे लेंगे प्रोग्राम में? तो अगर प्रोग्राम में हमें यूजर इनपुट लेना है तो सबसे पहले प्रोग्राम के टॉप पे हम लिखेंगे पैकेज को इंपोर्ट करेंगे. क्या है पैकेज जिसके अंदर नेक्स्ट आईएनटी है? उसका नाम है यूटिल. तो हम लिखेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक देन सेमीकोलन. ओके. उसके बाद नेक्स्ट आईएनटी यूटिल पैकेज के अंदर है, बट किस क्लास के अंदर है? स्कैनर क्लास के अंदर. तो अब एक और लाइन लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर स्कैनर. स्कैनर का एस अपर केस में होगा. फिर एक वेरिएबल लेंगे, कुछ भी ले सकते हो, एक्स ले सकते हो, वाई ले सकते हो. जनरली हमेशा सब लोग स्कैनर का शॉर्ट एस सी लेते हैं. तो स्कैनर एस सी, फिर असाइन विद, फिर न्यू कीवर्ड, फिर स्कैनर स्कैनर, और देन उसके बाद पैरेंथेसिस में सिस्टम डॉट इन पैरेंथेसिस क्लोज. तो याद रखना ये दोनों लाइन, कौन सा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल और दूसरा कौन सा स्कैनर एस सी असाइन विथ न्यू स्कैनर, ये दोनों लाइन कब लिखेंगे? जब नेक्स्ट आईएनटी का यूज करना होगा, यानी जब इनपुट लेना होगा. ओके. तो अब हम दो नंबर को प्रोग्राम करने ऐड करने का प्रोग्राम कर रहे हैं. दो नंबर हमें यूजर से इनपुट लेना है, फिर दोनों को ऐड करके प्रिंट कर देना है. तो अगर दो नंबर इनपुट लेना है तो उन दोनों नंबर को स्टोर करने के लिए दो वेरिएबल चाहिए, और दोनों इंटीजर इनपुट लेना है हमें. तो int पहले वेरिएबल का नाम मैं दे देता हूं x, कॉमा दूसरे का नाम y, और दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसको भी स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए. तो तीसरा वेरिएबल रिजल्ट, बिल्कुल पहले की तरह. फाइन. अब इनपुट लेते हैं. तो x में इनपुट कैसे लेंगे? जस्ट वन मिनट, जस्ट. So, ये हमारा तीन वेरिएबल हो गया. अब पहले हम क्या करते थे, x जैसे मान लो 10 और 20 ऐड करना है, तो हमने x में 10 स्टोर कर लिया और y में 20 स्टोर कर लिया, फिर दोनों को ऐड कर देते थे. बट नहीं, अब हमें डायरेक्ट नंबर स्टोर नहीं करना, अब यूजर से इनपुट लेना है कैलकुलेटर की तरह. तो हम क्या लिखेंगे, x असाइन विद, इसको असाइन टू पढ़ते हैं, जो इक्वल टू साइन है ना, मैं बता चुका हूं, इसको असाइन टू पढ़ते हैं. तो x असाइन विद स्कैनर के बाद क्या लिखा है मैंने, एस सी. तो लिखेंगे यहां पे x assigned with sc dot input के लिए किसका यूज करेंगे, next int का. next int, next int के बीच में स्पेस नहीं होगा और int का i अपर केस में होगा, और उसके बाद parenthesis open close. ये हमने इनपुट ले लिया. अब होगा क्या, प्रोग्राम हमारा टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होता है. मतलब कंप्यूटर पहले फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर सेकेंड लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर थर्ड लाइन, देन फोर्थ लाइन, देन फिफ्थ लाइन, देन सिक्स्थ
देन सेवेंथ. जैसे ही कंप्यूटर लाइन नंबर 8 एग्जीक्यूट करेगा, x असाइन विद sc डॉट नेक्स्ट int, तो एक चीज याद रखना, असाइनमेंट ऑपरेटर का दो साइड होता है, एक RHS राइट हैंड साइड और दूसरा LHS लेफ्ट हैंड साइड. तो कंप्यूटर पहले राइट हैंड साइड वाला एग्जीक्यूट करता है. तो यहां पे असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में क्या है, sc डॉट नेक्स्ट int. तो पहले sc डॉट नेक्स्ट int एग्जीक्यूट होगा और sc डॉट नेक्स्ट int क्या करेगा, इनपुट मांगेगा. तुम देखोगे कंप्यूटर जैसे ही इस लाइन पे आएगा यही रुक जाएगा और यहाँ पे ये जो आउटपुट स्क्रीन है टर्मिनल हमारा, इसमें कर्सर तुम्हारा यहाँ पे ब्लिंक करने लगेगा यहाँ पे नीचे, और कंप्यूटर यही रुका हुआ है, बोल रहा है इनपुट करो नंबर. और जैसे ही हम कोई नंबर एंटर करेंगे, जैसे हमने 20 एंटर किया, और कीबोर्ड से फिर जैसे ही एंटर बटन दबाएंगे, कंप्यूटर क्या करेगा, इस 20 को लाके एक्स के अंदर स्टोर कर देगा. मतलब sc डॉट नेक्स्ट int जो इनपुट लिया उसको लेफ्ट हैंड साइड वाले में स्टोर कर देगा. आया सबको समझ में? Yes, yes. फिर y में इनपुट लेना है, तो अगेन क्या लिखेंगे, y असाइन विद फिर से y sc डॉट नेक्स्ट int, ये दोनों इनपुट हो गया. फिर दूसरा वाला sc डॉट नेक्स्ट int आएगा तो क्या करेगा, फिर इनपुट नीचे देखोगे कर्सर ब्लिंक करेगा यहाँ पे. तुम जैसे ही कोई नंबर एंटर करोगे, जैसे तुमने 5 एंटर किया, तो कंप्यूटर इस 5 को लाके कहाँ स्टोर कर देगा, वाई के अंदर, यहाँ वाई में. ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना है. तो जैसे पहले करते थे, ऐड करके किस वेरिएबल में स्टोर करेंगे, रिजल्ट में. सो रिजल्ट असाइन विद एक्स प्लस वाई, और फिर रिजल्ट को प्रिंट कर देना है. तो कैसे प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और पहले एक मैसेज दे देते हैं. मैंने बताया था मैसेज कैसे देते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स, और फिर रिजल्ट की वैल्यू, तो डबल कोटेशन के बाहर प्लस लगा के, प्लस रिजल्ट. ये हो गया प्रोग्राम हमारा. अब देखो इस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो सेव कर लिए. रन कैसे करेंगे, नीचे टर्मिनल में लिखेंगे जावा सी, फिर प्रोग्राम का नाम. प्रोग्राम का नाम क्या है, यूजर इनपुट, क्लास का नाम है. तो यूजर इनपुट डॉट जावा, एंटर, कोई एरर नहीं है. अब रन करते हैं, तो जावा और फिर यूजर इनपुट, एंटर. अब देखो ये व्हाइट कलर का यहां दिख रहा है, कर्सर ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे व्हाइट कलर का, मतलब कंप्यूटर अभी इस लाइन पे रुका हुआ है, लाइन नंबर 8 पे. sc डॉट नेक्स्ट int अपना काम कर रहा है, बोल रहा है इनपुट दो. तो चलो नंबर एंटर करते हैं, मैं करता हूं 23, एंटर. फिर अब कंप्यूटर लाइन नंबर 9 पे चला गया, फिर से sc डॉट नेक्स्ट int आ गया, फिर इनपुट मांग रहा है. तो मैं कोई नंबर एंटर करता हूं, मैं करता हूं 8. अब जैसे ही एंटर करूंगा, 8 आके y में स्टोर हो जाएगा, फिर x में कितना है 23, y में कितना है 8, दोनों ऐड होके रिजल्ट में कितना आएगा 31, और फिर प्रिंट कर देगा डबल कोटेशन का मैसेज, सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू, और फिर रिजल्ट की वैल्यू 31. ये देखो एंटर करता हूं, सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू 31. आया समझ में, क्लियर हुआ सबको? यस यस. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ यूजर इनपुट इन जावा लैंग्वेज.